मिस्ट्री ऑफ टाइम ट्रेवल। नमस्कार दोस्तों, ऐसी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज हैं जिनमें टाइम ट्रेवल यानी कि समय की यात्रा के बारे में दिखाया गया है। इन फिल्मों में टाइम ट्रेवल करने के बहुत सारे तरीके दिखाए गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन फिल्मों में जिन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल करना दिखाया गया है, तो क्या सच में ऐसी किसी तरीके से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? क्या हम अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में जा सकते हैं? क्या ऐसी किसी भी उपकरण का निर्माण संभव है जिससे समय यात्रा की जा सके? और क्या हमारी पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद है जिसने अतीत या फिर भविष्य में समय की यात्रा की हो? यदि आप इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए क्यूरियस है तो वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम इस वीडियो में टाइम ट्रैवल की सारी संभावनाओं पर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइम ट्रैवल के बारे में जानने से पहले आप लोग समय के बारे में जान लीजिए कि आखिर समय क्या होता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियोरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में समय को समझाया। आइंस्टाइन के अनुसार समय कॉन्स्टेंट राशि नहीं है, बल्कि समय स्पीड और गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि स्पीड और गुरुत्वाकर्षण बल को बढ़ाकर या घटाकर समय की स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसे टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव या विस्तार कहा जा सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी को हम सैटेलाइट जीपीएस सिस्टम से आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट मौजूद है उनमें लगी घड़ियों और हमारी पृथ्वी पर मौजूद घड़ियों के टाइम में हर 24 घंटे में 38 माइक्रोसेकंड का अंतर होता है, और इन सैटेलाइट घड़ियों में ये अंतर उनकी तेज स्पीड और पृथ्वी से उनकी दूरी के कारण होता है, क्योंकि हमारी तुलना में इन सैटेलाइट पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम पड़ता है। इसी तरह का एक प्रयोग साल 1971 में किया गया, जिसे हाफेले एंड किटिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। इस प्रयोग में भी पृथ्वी पर मौजूद घड़ी और हवाई जहाज में मौजूद घड़ी, जिनका समय उड़ान के पहले एक जैसा था, लेकिन उड़ान के बाद दोनों घड़ियों के समय में अंतर देखने को मिला। इन प्रयोगों से टाइम ट्रेवल को लेकर एक बात निकल कर आती है। यदि हम किसी ऐसे एयरक्राफ्ट या रॉकेट का निर्माण कर लें जो प्रकाश की स्पीड से तेज स्पीड से उड़ सके, तो हम उस रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट में बैठकर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी ऐसे एयरक्राफ्ट या रॉकेट में यात्रा करते हैं जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर हो, तब पृथ्वी के सापेक्ष हमारा समय बहुत धीमी गति से बीतता है और टाइम डायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से स्पीड के अलावा गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा टाइम डायलेशन संभव है। इस चीज को समझने के लिए आइंस्टीन ने बताया कि यदि हम स्पेस टाइम को एक फैला हुआ चादर माने, तो इस चादर पर किसी भी वस्तु के वजन के कारण जो कर्व आते हैं वो गुरुत्वाकर्षण कर्व और गुरुत्वाकर्षण बल भी कर्व के कारण ही लगता है। इसका मतलब है जो वस्तु जितनी ज्यादा वजनदार होगी उसका कर्व भी ज्यादा बनेगा और उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होगा। और हम जितना अधिक ऐसी वस्तु के पास जाते हैं जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा हो, तो वो हमारे लिए समय की स्पीड बहुत कम हो जाती है। अर्थात जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है वहाँ समय धीमी गति से होता है, और इसके विपरीत जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है वहाँ समय तेजी से बीतता है। इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ब्लैक होल को टाइम ट्रेवल करने का एक साधन माना जाता है, क्योंकि ब्लैक होल ही ब्रह्मांड में मौजूद ऐसी चीज है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है जो प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वार्म होल्स को समय यात्रा का एक साधन माना है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने वार्म होल्स नामक पहले भी सुना होगा, तो चौंके मत, तो हम आपको बता दें वार्म होल्स क्या होते हैं। साधारण तरीके से वार्म होल को आप स्पेस में एक शॉर्टकट रास्ते के रूप में समझ सकते हैं जो दो जगहों को आपस में जोड़ता है, और ये जगह एक दूसरे से लाखों या करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित हो सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि वार्म होल्स की मदद से हम करोड़ों प्रकाश वर्ष का सफर बहुत आसानी से और बहुत कम समय में कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा स्पेस एक चादर की तरह है। इसमें मौजूद ग्रह चादर में पड़ी गेंदों के समान है। अब जिस गेंद का वजन जितना ज्यादा होगा वो गेंद चादर में उतना ही ज्यादा कर्व बनाएगी, और यदि हम इस चादर यानी स्पेस को मोड़ दें तो स्पेस के बाकी ग्रह एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जिससे इनके गुरुत्वाकर्षण बल आपस में रास्ता बना लेंगे। स्पेस में किन्हीं दो ग्रहों के बीच इन रास्तों को वार्म होल्स कहा जाता है। इससे इन ग्रहों के बीच दूरियां बहुत कम हो जाएंगी और हम लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी का रास्ता बहुत ही कम समय में तय कर सकते हैं, जिसे एक प्रकार से टाइम ट्रैवल कहा जा सकता है। और अब आप ही सोच रहे होंगे किसी दूसरे ग्रह पर जाना उसे हम टाइम ट्रैवल कैसे कह सकते हैं? तो हम आपको बता दें, जिस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है वहां समय उतनी धीमी गति से बीतता है,
और इस चीज को आप हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर से समझ सकते हैं, जिसमें इस मूवी का एक्टर ब्लैक होल के पास एक प्लैनेट पर एक घंटा बिताता है जो पृथ्वी पर बिताए गए 7 साल के बराबर होता है, जो साइंटिफिकली बिल्कुल सही है। लेकिन किसी भी वार्म होल को खोलने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत पड़ती है और इतना गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक ब्लैक होल में हो सकता है जो स्पेस के कर्वेचर को मोड़ने की क्षमता रखता हो। लेकिन अब वार्म होल को लेकर एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या हम वार्म होल में यात्रा कर सकते हैं? क्योंकि वार्म होल 2 ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बनाया गया एक रास्ता है, तो क्या हमारा शरीर और इसके द्वारा बनाया गया कोई उपकरण इस बल को सहन कर पाएगा? तो हम आपको बता दें, यदि भविष्य में किसी वार्म होल की खोज हो पाती है तो हमें इनमें यात्रा करने के लिए एक नेगेटिव एनर्जी की जरूरत होगी जो हमें इस गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ खींचने से रोके। ये ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे चुंबक के 2 समान सिरों को पास पास लाने पर उनमें प्रतिकर्षण होता है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कैसे हम स्पीड, गुरुत्वाकर्षण बल और वार्म होल की मदद से भविष्य में समय यात्रा कर सकते हैं। हम बात करेंगे क्या हमारे बीते हुए कल यानी अतीत में भी जाना संभव है या नहीं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी उपकरण के द्वारा बीते हुए कल की यात्रा कर पाना नामुमकिन है। लेकिन हमने अपने पुराने वीडियो में आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें हम अपने अतीत की झलक देख सकते हैं। जिस प्रकार हम सूरज की 8 मिनट की झलक देखते हैं, उसी तरह हम यदि पृथ्वी से काफी दूर जाकर किसी शक्तिशाली टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से आने वाली लाइट को देखें, तो हम उस समय को देख सकते हैं जिस समय पर ये लाइट पृथ्वी से चली थी। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के इंट्रोडक्शन में हमने एक सवाल किया था कि क्या कोई टाइम ट्रैवलर हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, तो चलिए उसका जवाब देते हैं। दोस्तों, 28 जून 2009 को दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने एक शानदार पार्टी रखी। इस पार्टी की सबसे खास बात यह थी कि यह पार्टी भविष्य से आए हुए टाइम ट्रैवलर्स के लिए रखी गई थी। लेकिन अफसोस, स्टीफन हॉकिंग्स शानदार पार्टी में कोई भी नहीं आया, जो इस बात को साबित करता है कि अतीत में टाइम ट्रैवल करना असंभव है। इसके पहले साल 2003 में अमेरिका में FBI ने एंड्रयू कार्लसन नाम के आदमी को अरेस्ट किया। इस आदमी को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि इसने मात्र 2 हफ्तों में स्टॉक मार्केट में $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन कमाए थे। FBI से पूछताछ में इस आदमी ने बताया, यह साल 2256 से आया और उसे सारे स्टॉक की जानकारी है कि कौन सा स्टॉक उसे फायदा देगा। एंड्रयू के टाइम ट्रैवलर होने की इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी और इसे बहुत ज्यादा कवरेज भी मिली। लेकिन दोस्तों, एंड्रयू कार्लसन की ये कहानी मात्र एक कहानी थी, जिसे वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, जो पूरी तरह से एक अफवाह थी। इसका सीधा मतलब यही है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है जो ये बताता हो कि पृथ्वी में कोई टाइम ट्रैवलर मौजूद है जो भविष्य या अतीत की यात्रा करके आया हो। खैर, टाइम ट्रैवल के बारे में आपका क्या विचार है कॉमेंट में जरूर बताना। ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।